उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक मौजज़ा है जो हमारे ईमानों को जिला बख्शता है, ताजगी बख्शता है। हमने अक्सर ये सुना है कि कल की किसी को खबर नहीं है। ठीक है, कल की किसी को खबर नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं अल्लाह जिसे चाहे अल्लाह उसे अता भी कर सकता है कि वो आने वाली कल की खबर दे रहा है। कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है और अहादीस में बेशुमार मकामात पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलां वक्त ये होगा, फलां वक्त ये होगा। बहरहाल में बदर के मैदान में जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायज़ा ले रहे थे, हुजूर ने अपनी छड़ी को एक जगह पर दायरा लगाया, फरमाया कल जब जिहाद शुरू होगा यहाँ पर उतबा कट के मरेगा। सहाबा भी देख रहे थे, फतवे लगाने वाले नहीं थे, वो हुजूर की बातों को तस्लीम करने वाले थे। हुजूर ने फरमाया यहाँ पर अबू जहल कट के मरेगा, यहाँ पर शेबा कट के मरेगा। दूसरा दिन हुआ, सहाबा कहते हैं जहाँ जहाँ आका करीम ने निशानियाँ लगाई थी वहीं वहीं पर काफिर कट के मरे हुए पड़े थे। ये हुजूर ने कल की खबर दी थी, हुजूर ने कल की खबर दी थी। और हुजूर के चरणों में बैठने वाले हजरत अबू बकर पाक रदी अल्लाह ताला अन्ह हो, आपसे किसी ने पूछा था ना ऊँटनी के पेट में क्या है, अपने नबी से पूछ के बताओ। उन्होंने फरमाया था कि तुम नबुवत को नबुवत के लेवल वाला सवाल किया करो, ऊँटनी के पेट में क्या है नबी के कदमों में बैठने वाला अबू बकर भी बता सकता है। हुजूर के सहाबा को भी ये शर्फ और ये इज्जत और ये मकाम अल्लाह ताला ने अता कर रखा था।